वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे हेमा पटिला व्लॉग्स। और अभी मैं अपना बॉटल भरने आई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ अपने जुम्बा क्लास। आज मैं शाम से मेरा मूड हुआ कि थोड़ा व्लॉगिंग किया जाए, तो मैं व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। थक जाती हूँ बोलते हुए, तो पहले बॉटल भर लेती हूँ। हफ्ते में 6 दिन की क्लास होती है, पर 6 दिन में पूरे जा नहीं पाती हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है। अभी इस हफ्ते का ही मैंने 3-4 दिन मिस कर दिया है और आज जा रही हूँ। अच्छा लगता है जाने के बाद, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, वर्कआउट करते हैं। आज बहुत भारी बारिश हुई थी, आज बहुत बारिश हुई थी। तो ये देखो, ये सारे कपड़े गीले सूखे मेरे बच्चे दोनों मिला के यहाँ पे डाल दिए हैं। मैं आने के बाद गीले अलग सूखे अलग सुखाऊंगी, सबको घड़ी करके अपनी अपनी जगह जमाना है। अपने टाइम निकालना चाहिए, पर क्या करें, हो नहीं पाता है, कभी कभी जा नहीं पाते हैं। फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं चली जाऊँ डेली, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर बिस्तर पे पड़ गए ना, तो कोई भी पूछता नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब उतना केयर नहीं कर सकते जितना आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और ये मैं कपड़ा इसलिए बांध रही हूँ ताकि बहुत धूल होता है बाहर रोड पे, तो डेली बाल धोया नहीं जाता है, 2-3 दिन में एक बार धोया जाता है। आज मैंने बाल धोया, मैं नहीं चाहती मेरे बाल और गंदे हो जाए। फेस गंदा हो डेली धो सकते हैं, सुबह शाम 2-3 बार धो सकते हैं, पर बाल गंदे होना धो नहीं सकते। तो मैं इस तरह अपने बालों को कवर कर लेती हूँ अच्छे से बांध के, क्योंकि बहुत। और बिल्ली ने ना यहाँ पे सीट पूरा ऐसे कुतर दिया है, खराब कर दिया है। उस बीच में बिल्ली ना आ जाती थी। घर जा रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है। भीगते भीगते जाएंगे। आप लोग गाड़ी में आए हो, कार में? ये मेरी स्कूटी भी भीग गई है। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ नमकीन वाली सेवई, जिसमें मैंने थोड़े बहुत वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। और कल रात को मैं बहुत भीग गई थी, तो मैंने अपना व्लॉग वहीं पे ख़त्म किया था और अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। नमकीन सेवई बहुत अच्छी लगती है खाने में, गर्मा गर्म। वैसे टिफ़िन में जा रही थोड़ी ठंडी हो जाती है। वैसे श्रद्धा सब्जियाँ नहीं खाती है, फिर भी आजकल सब्जियाँ खाऊंगी वो बोल रही है, इसलिए मैंने सेवई में सब्जियाँ डाली है, क्योंकि उसको अपने बाल लंबे चाहिए। हर लड़की को अपने बालों से प्यार होता है, तो इसीलिए वो सब्जियाँ खाना थोड़े बहुत स्टार्ट करिए, ऐसे नहीं कि बहुत सारे खाती है। यहाँ पे मैं अपने लिए और पतिदेव के लिए बना रही हूँ मीठे वाले रागी के चीले ओट्स के साथ। यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स मैं ली हूँ, इसको मैं मिक्सी में डाल के थोड़े पीस लूँगी, पाउडर बन जाएगा, और एक अच्छा सा घोल बना लेंगे गुड़ के साथ, थोड़ा नमक और रागी। ये ओट्स का आटा बना लिया है मैंने, तो ओट्स हो गया, और ये रागी का फ्लार है, रागी का फ्लार गुड़ के साथ हम बनाएंगे एक बैटर। गुड मॉर्निंग। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है, और मैं यहाँ पे वही चीले का बैटर बना रही हूँ। तो ऐसे एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे, अब तवा चढ़ाते हैं। तो तवा मैंने रख लिया है, और जब तक तवा गर्म होता है और ये बैटर भी रेडी है, मैं पी के आती हूँ। ये है दालचीनी का पानी है, दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, उसको मैंने पानी में डाल के अच्छे बॉयल कर लिया, रात भर भिगा के, अभी मैं पीने वाली हूँ। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। दालचीनी का पानी पीने में तो वैसे मीठा होता है और काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ पे मैं चीले बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पहला जो डोसा होता है या चीला होता है परेशान करता है, ठीक से निकलता नहीं है, ऐसे ही आराम से निकल चुका है। पहले
पहला चीला हमेशा परेशान करता है, पर ये इजीली निकल के आ गया। चलो सेकंड ट्राई करते हैं, वैसे अब आराम से सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसमें हम रखेंगे थोड़ा बटर, क्योंकि बटर से आएगा टेस्ट। से ये जो चीले है ना, ये घी के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट करते हैं, पर अभी मेरे पास घी नहीं है, बटर था तो मैंने बटर ही लगा दिया। और गर्मा गर्म चीले खाने में सॉफ्ट तो लगते हैं, टेस्टी भी बहुत लगते हैं। पहले मैंने इनको पतिदेव को गर्मा गर्म चीले बना के दे दिए, अब ये मेरे लिए बना रहे हैं गर्मा गर्म चीले। पर ये पहने हैं बनियान, इन्होंने बोला कि बनियान में मेरा वीडियो मत निकाला कर, तो ये गए थे अपना टी शर्ट पहनने के लिए। किसमें तेल थोड़ा सा, एक बूंद। आपको नाम देखो अच्छा दिख रहा है, वाइट पे ब्लू कलर का। ये खुला है क्या? खुला है हाँ, अच्छा है ना। बन नहीं रहा है क्या? अच्छा तो बना रहे हो, इसलिए नाटक कर रहे हो। मेरी तरह इनको भी रील्स बनाना पसंद है, तो ये थोड़ी लाइट की सेटिंग कर रहे हैं रील्स बनाने के लिए। ओ गणेश जी की फोटो इतनी सुंदर लग रही है ना, बहुत। मैं भी दो चार रील बनाऊंगी, दो और चार। तुम्हारा दिन आज क्यों सुबह परेशान कर रही थी, नहीं जाऊंगी करके? क्यों? बस नहीं था। डेली जाना चाहिए ना स्कूल। आज बहुत परेशान, नल हो गया। किस चीज का? तो तुम्हारा हुआ कि नहीं सिलेक्शन? वो सिलेक्शन के लिए नहीं है, बस एग्जाम जैसा रहता ना, बस अपने हाँ, से लिख दी थी। अच्छा लिखी, वेरी गुड। एक्स्ट्रा भी लिखी। पहले ये बता सुबह क्यों परेशान कर रही थी? क्योंकि आप बहुत परेशान कर रही थी। आरी पीछे वाला इडली लेकर आया था तो तुम्हें खाने का मन था, तो उससे मांग लेना था। इस तरह खाते पीते दिन निकल जाता है। और आज मैंने लंच में बनाया था राजमा चावल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।